मैं सचिन खतावियर आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो बजाज सिटी 100 BS6 बाइक पर। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो बजाज सिटी 100 BS6 बाइक के ऊपर होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने मिलेंगे और क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेस करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। KS Alloy BS6 एक्शन प्राइस है इसका 40,794 रुपये का, जिसमें से RTO अमाउंट है 2,447 रुपये का, इंश्योरेंस अमाउंट है 5,305 रुपये का, ऑन रोड प्राइस आपको 48,546 रुपये ही पड़ेगी। अगर देखा जाए तो अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो 1,193 रुपये पर मंथ देके ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं ES Alloy BS6 बाइक की। तो एक्शन प्राइस का 48,474 रुपये पड़ेगा, RTO अमाउंट 2,908 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट 5,469 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको 56,851 रुपये की पड़ेगी। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो 1,418 रुपये पर मंथ दे के ले सकते हो। तो प्राइस में भी चेंजेस हुआ है, प्राइस पहले से इंक्रीज हो गया क्योंकि BS6 से बाइक आई है। अब बात करते हैं कलर्स की। तो कलर्स इसके अंदर तीन देखने मिलेंगे, फ्लेम रेड, इवोनी ब्लैक रेड, इवोनी ब्लैक ब्लू। तो कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हैं पहले से और काफ़ी अच्छे कलर्स हैं पहले से। तो इंजन टाइप इसके अंदर 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर नेचुरल एयर कूल्ड देखने मिलेगा और इंजन डिस्प्लेसमेंट 102 cc का देखने मिलेगा। पावर इसके अंदर 7.7 PS एंड 7,500 RPM देखने मिलेगा। टॉर्क इसके अंदर 8.24 Nm एंड 5,500 RPM देखने मिलेगी। एमिशन टाइप, जैसे कि आपको पता है BS6 बाइक है तो BS6 इसका एमिशन टाइप है। बोर इसके अंदर 47 mm है और स्टॉक इसके अंदर 58.8 mm का देखने मिलेगा। नंबर ऑफ सिलेंडर्स एक देखने मिलेंगे और ड्राइव टाइप इसमें चैन ड्राइव है। बल्ब पर सिलेंडर दो देखने मिलेंगे, फ्यूल टाइप पेट्रोल है। अब बात करते हैं एमिशन की। तो एमिशन टाइप इसका मैनुअल देखने मिलेगा, नंबर ऑफ गियर्स 4 स्पीड देखने मिलेंगे, यानी कि 4 गियर्स वाली बाइक होने वाली है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक इसके काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट ब्रेक ड्रम में और रियर ब्रेक भी इसमें ड्रम में देखने मिलेगा। तो देखा जाए तो ये लॉन्ग ड्राइव चलाने के लिए बाइक है, जैसे कि आप लॉन्ग टूर वगैरह करते हो ऑफिस वगैरह के लिए, जैसे कि आपका ऑफिस वगैरह दूर है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि माइलेज काफ़ी बढ़िया देती है। ब्रेकिंग टाइप कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने मिलेगा। चेसिस एंड सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट सस्पेंशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक विदाउट एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ और रियर सस्पेंशन इसमें SNS सस्पेंशन देखने मिलेगा। चेसिस में टबलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर कार्डल फ्रेम के साथ देखने मिलेगा। अब बात करें टायर्स व्हील्स की। तो सबसे पहले हम टायर साइज की बात करेंगे। टायर फ्रंट टायर्स में 2.75-17 है और रियर टायर्स में 3-17 है। व्हील साइज में फ्रंट व्हील 431.8 mm का और रियर व्हील इसमें 431.8 mm का है। व्हील टाइप में अलॉय देखने मिलेगा, ऑप्टिमम टायर प्रेशर इसके में 25 PS है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है इसके अंदर। व्हील बेस इसमें 1235 mm का है और लेंथ इसके अंदर 1945 mm की है। ग्राउंड एंड क्लियरेंस 170 mm का देखने मिलेगा। हाइट इसके अंदर 1072 mm की देखने मिलेगी। वेथ इसके अंदर 752 mm की और फ्यूल कैपेसिटी 10.5 लीटर की, यानी कि 10.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है। LED टेल लाइट इसमें बल्ब में देखने मिलेगी। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 110 mm का और रियर ब्रेक डायमीटर भी सेम है, 110 mm का है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। तो टर्न सिग्नल लैंप इसमें बल्ब में होने वाली है। भाई जब वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है
आपके एक लाइक से आपको एक आपको मोटिवेशन मिलता है और कमेंट्स होता है वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, आपको ही आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो उस टॉपिक आप बोलते हो। अगर आपने भाई के चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।